फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, छोटा सा ही वीडियो रहेगा लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है? तो ध्यान से पूरे वीडियो को अच्छे से देखना और अपने कॉपी में ड्रॉ भी करते जाना, ठीक। आज हम पढ़ने वाले हैं जो इंडिया में कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक है जिनकी हाईएस्ट पीक जो है वो पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, यानी कि आपको कैसे देगा, छोटे लेवल में आपसे पूछ, जैसे छोटे लेवल का एग्जाम अगर है तो हाईएस्ट पीक दे देगा, पूछेगा किस पहाड़े की हाईएस्ट पीक है या फिर आपसे इसका नाम पूछेगा। और जैसे पीसीएस वगैरह के पेपर में आपसे क्या करेगा कि पीक का नाम दे देगा और इधर माउंटेन रेंज का नाम दे सकता है या फिर वो माउंटेन रेंज किस स्टेट में, स्टेट का नाम आपसे दे सकता है, ठीक। तो मैचिंग करने के लिए आपको दे सकता है। दो तरीके के पैटर्न इस क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दो तरीके से बन जाता है। चलिए बात करते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईएस्ट पीक क्या है भारत में, कौन कौन से हिल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इंडिया का मैप, ठीक। और मैंने आपको जैसे बताया था इंडिया का मैप ड्रॉ करना वही से बताएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल वो वाला लेक्चर देख लेना जिसमें मैंने आपको ड्रॉ करना बताया था। ठीक है, तो देखो ये छोटा सा मैप है इंडिया का जिसमें आपको समझना है कि कौन कौन से हाईएस्ट पीक कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आता है तीन रेंजेस आती है। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर है पामीर नॉट, और यहाँ से एक रेंज निकलती है और यहाँ से एक निकलती है, ठीक है। और ये जो पामीर नॉट है इसको कहा जाता है पूरे विश्व की छत, ठीक है। तो विश्व की छत के रूप में जाना जाता है पामीर नॉट को। ये हो गई काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन रेंज हो गए। इन तीनों को मिला के कहा जाता है ट्रांस हिमालय, ओके। उसके बाद यहाँ पर आता है ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय, बीच में आता है मध्य हिमालय और उसके नीचे आता है शिवालिक श्रेणी, जो कि ये जो श्रेणी है ये जाके नॉर्थ ईस्ट तक ये फैली हुई है, ठीक है। और आगे चल के जो अंडमान निकोबार का एरिया आता है वो भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर म्यांमार वगैरह ये सब आता है सब इसी का पार्ट होता है, ठीक है, एक्सटेंड पार्ट। लेकिन हम जितना इंडिया में होता है हम सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या है, एक ग्रेटर हिमालय है, शिवालिक है, उसके बीच में मध्य हिमालय, ठीक है। अब इनमें से किसकी हाईएस्ट पीक पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर है काराकोरम, यहाँ पर हम लिख देते हैं काराकोरम जो है, काराकोरम इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, केटू पर्वत, ठीक है, केटू या फिर गॉडविन एस्टन के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो काराकोरम की है केटू पर्वत, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो आप सुन के लिख लो, काराकोरम की है केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन, केटू को ही हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर आता है एक, ओके, उसके बाद ये क्या है, वेस्टर्न घाट है, ये है ईस्टर्न घाट, जहां पर दोनों मिलती है इसको हम जानते हैं नीलगिरी के नाम से, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर है विंध्या सतपुरा, ठीक है। तो इतने सारे हाईएस्ट पीक आपसे पूछे जाते हैं। अब नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, दोदा बेटा, दोदा बेटा, ठीक है। वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, कार्डमम हिल्स, कार्डमम, ओके। और अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो इसका नाम है महेंद्रगिरी, यानी कि ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक, महेंद्रगिरी हो गया। अब सर ये विंध्या है, ये सतपुरा है, विंध्या की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या, ध्रुवगढ़, ठीक है, क्या नाम है, ध्रुवगढ़। और अगर हम कहें कि जो अरावली है ये क्या है, अरावली रेंज, जो कि राजस्थान से लेकर, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक फैली हुई है, और इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, माउंट अब सॉरी गुरु शिखर, क्या है, गुरु शिखर, तो ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आता है भारत में अगर हम कहें फिजिकल मैपिंग, तो यहाँ पर आता है पामीर नॉट, पामीर नॉट की दो शाखाएं निकलती हैं, एक होता है हिंदू कुश और उसके बाद एक होता है, ये एक है हिंदू कुश और दूसरा नंबर का कौन सा होता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, क्योंकि मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया हुआ है। उसके बाद आता है यहाँ पर महान हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी का ही पार्ट जो अंडमान निकोबार के जगह पर फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आता है अरावली, अरावली की सबसे हाई स्पीक का नाम क्या है, गुरु शिखर। यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर था जिसको हमने तीनों को मिला के कहा ट्रांस हिमालय,
काराकोरम की हाई स्पीक का नाम क्या है, केटू, या फिर गॉर्डन ऑस्टिन के नाम से हम इसको जानते हैं। यहाँ पर आती है विंध्या और सतपुरा, तो सतपुरा की तो नहीं लेकिन विंध्या की जो हाई स्पीक का नाम वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आंसर बनेगा थोकबर्ड। ईस्टर्न घाट की जो यानी कि ईस्टर्न घाट जो है उसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, महेंद्रगिरी, और ये जो हाईएस्ट पीक है ये उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। क्योंकि आपसे स्टेट का नाम पूछा गया है पेपर में कि जो महेंद्रगिरी है वह कहाँ की हाईएस्ट पीक है, तो उड़ीसा में लोकेटेड है तो वहीं की हाईएस्ट पीक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आता है दोनों जब ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट दोनों आपस में मिलती है तो यहाँ पर एक माउंटेन रेंज बनता है जिसका नाम होता है नीलगिरी, और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, दोधाबेटा। अब देखो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा फ्लावर है जो 12 सालों में एक बार खिलता है और नीले कलर का होता है, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप आंसर कर देंगे क्या, नील जो नीलकरंजी फूल होता है वो नील जो नीलगिरी हिल्स है वहां पर पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पाया जाता है कहाँ पर, तमिलनाडु केरला का जो पार्ट होता है वहां पर, ठीक। और कुछ हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश का जो एकदम साउथ वाला हिस्सा होता है वहां पर भी इसको जो है पाया जाता है, जो नाम क्या है, नीलकुरुंजी फूल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 12 सालों में एक बार खिलता है, और आप चाहें तो उसको गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में हमने आप डिस्कस किया है कि कितने जो हाईएस्ट पीक हैं हमारे यहाँ भारत में कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको वो कवर करके बताया है, अगले वीडियो में भी वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे ताकि जो है एग्ज़ाम हम जो है एग्ज़ाम का एक समझ लो कि कंपाइल हम कर रहे हैं। हाईएस्ट पीक हमने पढ़ लिया, रिवर्स के बारे में पढ़ लिया, फिर हम अगले भी लेक्चर ऐसे लेंगे जिसमें क्या होगा कि लेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा जो एग्जाम में हर बार पूछा गया है, कुछ एग्जामों में देखा गया है, तो ऐसे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।